इंडिया तो जीतेगी, पाकिस्तान हारेगा, बाप बाप रहेगा और बेटा बेटा रहेगा। विराट कोहली से तो सारे मिल के ना लड़ पाते हैं। पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश भी है ना, अफगानिस्तान भी है ना, और कई मुस्लिम कंट्री है। पाकिस्तान को लेकर ऐसी कंट्रोवर्सी क्यों होती है, मुझे ये पूछना है। अगर जो अच्छा खेलेगा जवानों के ऊपर गोली चलाता मैटर है, वो अलग मैटर कैसे, वो अलग मैटर है, अलग कैसे, तो क्यों खेलते हैं, क्यों बुलाते हैं, अगर कैसे नहीं फिर हम ये कहते हैं सरकारें क्यों बुलाती है, एक मिनट क्यों बुलाती है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। खेल को हिंदुस्तान पाकिस्तान की भावना से नहीं, खेल को खेल की भावना से देखना चाहिए। भाई दिल से चाहते हो ना इंडिया जीते, इंडिया जीते दिल से चाहते हो, इंडिया बढ़िया खेले दिल से चाहते हो, खेलेगी तो जीतेगी, नहीं खेलेगी तो पाकिस्तान जीतेगी। पाकिस्तान अगर जीत गई तो आपको दुख नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। इंडिया के लोग टीवी फोड़ देते हैं भाई जब पाकिस्तान जीतता, अपना सर फोड़ ले, मेरे मुंह से गाली निकल जाएगी, आप समझ लीजिए। नहीं तो हम हमारा क्या मतलब है, जवाब नहीं, हम कोई जो अच्छा खेलो जीत जाओ, हमारे में हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तहत बात करते हैं, हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तहत बात करते हैं, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। मैं इस पर सवाल नहीं उठाऊंगा कि कल कौन खेलेगा अच्छा, जो खेलेगा वो पता चलेगा। पाकिस्तानी प्लेयरों को अपने यहाँ लाना नहीं दिया जा रहा था, अब पाकिस्तान प्लेयर आए वर्ल्ड कप खेलने, बहुत सारे लोग बायकॉट कर रहे हैं इसी बात का कि इनका बायकॉट होना चाहिए, हम देखने मैच नहीं जाएंगे ग्राउंड पे, ना टीवी पे मैच देखेंगे। यही तो बेशर्मी है भाजपा वालों की, पाकिस्तान को यहाँ पे बुला के देश की जनता को ये क्यों गुमराह करते हैं कि पाकिस्तान का विरोध करो और उसके खेल को मत देखो, तो फिर बुलाते क्यों आप लोग, अगर बुलाते हो तो उन्हें सम्मान भी देना चाहिए, उनका खेल भी देखना चाहिए। तो दे भाई गरबा डांस हो रहा है, अच्छा खेलेगा तो फिर जीतेगा, हम बाकी गरबा डांस हुआ अहमदाबाद पाओ सम्मान मिलेगा, चाय कॉफी पियो, रोटी खाओ, खाना पियो, नहाओ धो सब करो, मगर आप हार जाते हो तो चुप्पे से खिसक लो, अगर आप जीत जाते हो तो आपके लिए तालियां भी है। सुनिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान खेल खेलने आया, सत्ता के लोग इस पर खेल खेलते हैं, सत्ता का खेल खेलते हैं। भारत जीतेगा, ये निश्चित है कि भारत जीतेगा, समझा नहीं पाकिस्तानी प्लेयरों में इस समय हमारे खिलाड़ियों का जो है जोश बढ़ा हुआ है और साहसी है हमारे खिलाड़ी, अवश्य जीतेंगे, और इस तरह के खिलाड़ी उभरे हैं कि मारेंगे जो है छक्के पे छक्का, जो है इंडिया जीत जाएगा, इंडिया की टीम जीतेगी। ये पाकिस्तान को भैया इनको इंडिया में नहीं, पाकिस्तान अगर इंडिया में रहकर इंडिया की अगर आप वो नहीं करो, प्रमोट नहीं करो, सपोर्ट नहीं करोगे तो आप फिर बताओ ना, फिर तो आप देश में कैसे भाई, अगर देश में रहकर देश का सपोर्ट नहीं करोगे तो पाकिस्तान का सपोर्ट करोगे, आप बताओ। देश में रहकर इंडिया का सपोर्ट करना चाहिए ना, नहीं, इंडिया का सपोर्ट तो कर रही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो खेल, देखिए खेल अलग चीज है, देश अलग चीज है, देश हमारा सबसे ऊपर है, खेल तो बाद में आता है ना। बहुत सारे लोग बाइकआउट कर रहे हैं कि स्टेडियम मैच देखने मत जाओ, टीवी पे मत देखो, क्यों ना देखो भाई, उनको इंडिया मुंह की पटक नहीं देगा, उसको देखने के लिए तो जाएंगे ना, पाकिस्तान को पटक नहीं देगा, उसको देखने तो जाएंगे ना, इंडिया पटक नहीं देगा पाकिस्तान को, तब वो तो देखने जाना ही जाना है। पूरे 140 करोड़ भारतीय का गर्व सीना चौड़ा हो जाएगा जिस दिन जीतता है इंडिया। मैंने कब कहा कि इंडिया जीतने का मुझे दुख है, कि मैंने कब कहा कि पाकिस्तान जीत जाए, मैंने तो आपसे पूछा ना, आप चाहते हो नहीं चाहते इंडिया जीते, जो अच्छा खेलेगा, ये कह रहे हो कि इंडिया जीतेगा, खेलेगा मैं क्यों कहूँ कौन खेलेगा, मैं भगवान हूँ कि मुझे दिल से चाहते तो होगे ना इंडिया जीते, खेल को खेल भावना पे क्या कह रहे हो, ये भैया पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में रह के, यही बात सही है, आरोप लगा दिया छोटे लड़के ने, हम क्या पाकिस्तान को सपोर्ट कर, नहीं आप भैया जवाब तो बोल कौन है, भारत के कैप्टन कौन है, किया जवाब तो क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है, हमें नहीं, कोच कौन है, हमें नहीं मालूम, क्रिकेट में कैसे कमेंट कर रहे हैं, नहीं मालूम, हम क्यों कह रहे हैं, राजनीति करिए आप, क्रिकेट टीम में नहीं बारे कुछ बात सब तो कही, खिलाड़ी पता होगा, खिलाड़ी कितने कितने खिलाड़ी होता है, चाहे बताओ, बहुत सारे लोग बायकॉट कर रहे हैं कि स्टेडियम नहीं जाएंगे ना टीवी मैच देखेंगे, पाकिस्तान जिसके पास पैसा है वो जाएगा, इंडिया टीवी पे भी मैच नहीं देखेंगे, टीवी पे भी नहीं देखेंगे, नहीं पाकिस्तानी प्लेयरों को नहीं देखेंगे, बिल्कुल नहीं, हम तो देखेंगे भाई, इंडिया जीतेगी तो हम पाकिस्तान को हारता हुआ देखेंगे, जाहिर सी बात है, इंडिया तो जीतेगी, पाकिस्तान हारेगा, बाप बाप रहेगा और बेटा बेटा रहेगा, कभी जीत नहीं पाएंगे, मालूम तुम्हें विराट कोहली पाकिस्तान का बाप है, अब बच्चा हमेशा रहेगा पाकिस्तान, समझे, और हमारी टीम वर्ल्ड कप जीतेगी, समझे, हमारी टीम भारत की टीम इंडिया की टीम वर्ल्ड कप जीतेगी। विराट कोहली से तो सारे मिल के ना लड़ पाते हैं, पाकिस्तानी अब भाई 11 प्लेयर हमारे बाकी हैं, पहले विराट कोहली से आप लोग लड़ लीजिए, उसको बॉलिंग कर लीजिए, ये सब अरे यार वो सब बम है, उसका कोई मतलब नहीं, अकेले विराट कोहली खड़ा हो जाता।
कहाँ फट जाती लोगों की। अरे क्या बात कर रहे हैं भैया भैया, विराट कोहली कोई नहीं चल पा रहे भाई। विराट कोहली अभी हिट, रोहित शर्मा का आप लोग तांडव देखे हैं। अगर रोहित शर्मा 10 ओवर खेल जाए तो उनको दस्त उतरने लगती है, पाकिस्तान को दस्त उतरने लगेगी 10 ओवर रोहित शर्मा खेल जाए तो। 266 विराट कोहली आता है तो बीपी चेक करना शुरू कर देते हैं, भैया उठ जा कोहली आ गया। पाकिस्तानियों ये हाल है, ये कह रहे पाकिस्तान जीते, पता नहीं किसी, इनको पहले नींद से जगा दो। ये कह रहे पाकिस्तान जीते, कह रहे जो अच्छा खेलेगा वो जीते। अच्छा एक बात, एक बात बताइए, ट्रेन की पटरी पे आप ट्रक कैसे दौड़ा देंगे? सरकार कोई ना बने लेकिन इंडिया पाकिस्तान की बात आएगी। क्या कह रहे हो? बाकी सरकार चाहे कौनो बने लेकिन इंडिया पाकिस्तान की बात आई तो हम लोग इंडिया के साथ ही है, इंडिया ही जीतेगा, सीधी सी बात है। अरे मैच में पाकिस्तान कहीं नजर नहीं आएगा, हर जगह, एक सेकंड, हर जगह खेल भावना नहीं चलती है, हर जगह देश भावना चलती है। ये पता, राजनीति ये देश से खेल है, खेल से देश नहीं है।